फैमिली, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। और गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, क्योंकि अभी है मतलब दोपहर का टाइम। तो फ्रेंड्स, आज है धनतेरस, और धनतेरस की सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, और सभी को मेरी तरफ से छोटों को प्यार, बड़ों को मेरा चरण स्पर्श। आज के दिन सभी को मैं चरण स्पर्श करती हूँ, और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा फ्रेंड्स। तो किस किसी ने शॉपिंग की है, छोटे छोटे से बाल हैं, तो बस फ्रेंड्स आज धनतेरस के दिन थोड़ा सा जैसे झाड़ू वगैरह लेके आते हैं ना, तो बस वही। तब तक वीडियो में बने रहना और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप ज़रूर बताइएगा कैसे हैं, और आपकी दुआ से काफ़ी अच्छी हूँ, ठीक भी हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए ब्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैं धनतेरस का आपके लिए ब्लॉग लेके आई हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को मैंने जो भी दो तीन अभी ब्लॉग मैंने अपलोड किए हैं, तो मतलब कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी, बट अब मैंने मन बना लिया है अपना कि मुझे रोज़ डेली कंटिन्यू करना है फ्रेंड्स। और मैं चाहती हूँ कि आपसे फेस टू फेस बात भी करूँ, ताकि मुझसे सब अटैच हो, है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैंने साड़ी वेयर कर ली, तो फ्रेंड्स मेरे पास ना कुछ क्लिप थी है, तो इसलिए मैंने ऐड करके रख दी थी कि मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। तो बस चलिए, जो मेरे पास सारी वीडियो है ना, चाहे छोटी क्लिप है, कुछ भी है, वो आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने ये साड़ी वेयर कर ली है, पूरा घर का मैंने अपना जो था सब कुछ काम वाम सारा निपटा दिया है, और मतलब झाड़ू पोछा क्लीन वगैरह खाने से लेके सब कुछ निपटा दिया है। और फ्रेंड्स, मैंने ये वाली साड़ी वेयर की है, देख लीजिएगा, कलर बहुत सुंदर लग रहा है, बट पता नहीं मेरे फ़ोन में कमी है या मुझे वीडियो बनानी नहीं आती है, मुझे ऐसा ही लगता है। तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली साड़ी, आप बताना फ्रेंड्स आपको कैसी लगी ये वाली साड़ी। और पता फ्रेंड्स, इस साड़ी को मेरी कम से कम 13 ईयर्स हो चुके हैं, तो मैंने कहा चलिए हल्की है और इसको वेयर कर लेते हैं, तो घर के कामों में ना कंफर्टेबल भी रहती है, काम करने में ना आसानी भी रहती है ना फ्रेंड्स। फिर भारी साड़ी ना फिर घर के काम नहीं होते अगर हम भारी साड़ी पहन लेते हैं, ज़्यादा जो खूब हैवी साड़ी होती है, तो ये कम्फर्टेबल काफ़ी है। तो फ्रेंड्स, ये जो बच्चे कुछ टॉयज वगैरह ले करके आए थे ना, तो बस मैं आपको वही दिखा रही थी। तो चलिए अभी चलती हूँ मैं थोड़ा सा मार्केट में फ्रेंड्स, अगर तो फ्रेंड्स मैं ना थोड़े पैसे वगैरह ले लेती हूँ, चलती हूँ। हस्बैंड जी ने बोला है कि चलो रिंकी फटाफट से तैयार हो जाओ, फिर मार्केट चलना है, क्योंकि उसमें ना झाड़ू वगैरह ज़्यादा माना जाता है। वैसे तो लोग बहुत सामान लेके आते हैं किचन से रिलेटिव, तो मुझे ना मैं फ्रेंड्स मैं नॉन स्टिक कढ़ाई वगैरह लेके आई थी, क्योंकि कढ़ाई के लिए मेरे बहुत कमेंट आते थे, और मतलब बेलन के लिए, तो वो मैं लेकर के आ गई थी। और जब मेला में गई थी ना फ्रेंड्स, मैं तो ये लेकर आई थी मैं चूड़ी स्टैंड, क्योंकि क्या होता है मेरे घर में तो जगह कम है, ऊपर से मतलब अलमारियाँ नहीं बनी हुई है, इस वजह से मैं कुछ ज़्यादा सामान नहीं लेती हूँ डेकोरेट का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चलिए मैं आ गई थी, और शाम का टाइम हो चुका है, ये मेरा जेठ का बेटा है, तो बस पहले मैं बनाऊंगी चाय, क्योंकि साड़ी पहनी ना फ्रेंड्स, यहाँ पर ना ठंडा गर्म मौसम हो रहा था, इस वजह से ना मुझे ठंड भी लग चुकी थी, तो बस मैंने सूट वेयर कर लिया था, और फिर मैंने ना ऊपर से जो है अपना स्वेटर वगैरह डाल लिया था, और मुझे ना ठंड भी लग रही थी, सर में दर्द हो रहा था, क्योंकि क्या हुआ मैं जिस दिन हेयर वॉश कर लेती हूँ ना फ्रेंड, तो मेरे सर में ना बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, कोई नहीं, देखिए त्यौहार मनाने चाहिए अच्छे से, अच्छे मन से, है ना। तो चलिए अभी मैं धनतेरस की शुरुआत कर लेती हूँ, तो मेरे यहाँ कैसे मनाई जाती है आप ज़रूर देख लीजिएगा, छोटी सी पूजा है वो आपके शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर पहले मेरे यहाँ पर दिल्ली में चिराग रखे जाते हैं, चावल रखते हैं पहले एक मुट्ठी, फिर ऊपर चिराग जला के घी के रख देते हैं। जितने भी घर की देलियाँ होती हैं ना फ्रेंड्स, मेरी चौखट, जैसे कमरे की बाहर को चौखट बोला जाता है ना, तो हम इनको देली बोलते हैं, तो यहाँ पर मैं सभी देलियों पर चिराग रख दूंगी घी के, और जितने भी यहाँ पर घर हैं सबके घर में चिराग, मतलब दीपावली को रखते हैं, बट फ्रेंड मैं सब में रखती हूँ, जितने घर हैं घर के कोनों कोनों में, और आज के दिन में सब घर के कोनों में सब जगह चिराग घी के ही रखती हूँ। तो एक दिन पता कैसे आता है फ्रेंड्स, मैं गाँव में ना चूल्हे पे भी चिराग रखते हैं, और अच्छे से उसको लिपते हैं, और पूजा भी करते हैं चूल्हे की, तो मेरे पास मिट्टी का चूल्हा नहीं है फ्रेंड्स, तो कोई बात नहीं, चलिए है ना, गैस पे हम खाना बनाते हैं, तो बस यहीं पर मैंने अच्छे से गंगा जल से अच्छे से उसको धो दिया था, और सारे में मतलब गंगा जल छिड़काव कर दिया था पूरे घर में, तो घर पवित्र तो रहता ही है फ्रेंड्स, है ना, तो पानी भी तो गंगा जल ही है हमारे लिए ना फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा गंगा जल हम हरिद्वार वगैरह से लेके आए थे, तो अगर फ्रेंड्स कोई भी गलत वर्ड बोला जाता तो प्लीज़ आई एम रियली सॉरी। तो चलिए सबके यहाँ पर मैं भाभी के यहाँ पर मतलब नीचे वाली टेरेस पे भी रख के आ जाती हूँ, और तो फ्रेंड्स ब्लॉग पूरा कंटिन्यू देखिएगा, ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगता है प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर जरूर करके जाइएगा, और
बेल नोटिफिकेशन ऑन करके जरूर जाइएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा इसमें दीपावली का भी मैंने क्लिप जो थी वो ऐड कर दी थी, प्लीज फुल वॉच जरूर कीजिएगा, अच्छा लगेगा ताकि आपको पता चले ना क्या है वीडियो में, है ना फ्रेंड्स। मुझे अच्छा लगता है कि आपके साथ मैं हर चीज़ें शेयर करूं। देख लीजिएगा काफ़ी अच्छे से बच्चों ने मेरे घर को मतलब सजाया हुआ था, लड़ियाँ वगैरह लगाई थी। तो बस फ्रेंड्स यहाँ देख लीजिएगा मैंने घर गेट के बाहर भी रख दिया यहाँ पर, और बच्चे खूब मजे कर रहे हैं और पटाखे वगैरह फोड़ रहे हैं। तो चलिए अब लगने लगी थी मुझे गर्मी तो मैंने स्वेटर अपना उतार दिया था। तो चलिए फ्रेंड्स अभी चलती हूँ मैं और अपना काम वगैरह जो है निपटा लेती हूँ, और आप ब्लॉग में बने रहना। तो फ्रेंड्स देख लीजिएगा कितना प्यारा लग रहा है ना माहौल सच में। फ्रेंड्स दीपावली का मुझे बहुत अच्छा त्यौहार लगता है, और आप देख रहे हैं ना कि मैंने थाली में मोमबत्ती क्यों लगाई है, इसलिए लगाई है फ्रेंड्स सभी फौजी भाइयों के नाम लगाई है जिनका जो इस देश को बलिदान दे के चले गए हैं, तो मैं उनके लिए लगाती हूँ। क्योंकि जहाँ अगर मैं अलग अलग लगाती हूँ ना मोमबत्तियाँ तो हवा से ना सारी मतलब सब बुझ रही थी, वैसे मैंने घर में ही रंगोली में अच्छे से यहाँ पर थाली में सभी के नाम की मतलब यहाँ पर लगा दी थी। तो ये वाली वीडियो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी मैंने शेयर किया था, और जाके देखिए फ्रेंड्स मेरे इंस्टाग्राम आईडी है रिंकी देवी है 31 पर, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ जाके मुझे फॉलो कीजिए प्लीज़। और चलिए अभी मैंने फ्रेंड्स मैंने साड़ी वेयर नहीं की थी दिवाली के दिन, क्योंकि मुझे ना थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। एक्चुअली क्या मुझे ना थोड़ी सी मतलब ठंड लग रही थी, बहुत अजीब तरीके से हो रही थी मुझे, सर में पेन, कभी गर्मी ठंड ऐसे मतलब मुझे हो रहा था। तो फिर भी मैंने गाउन न्यू था करवा चौथ को ही मैंने 10 मिनट के लिए पहना, को ज़्यादा नहीं पहना था। तो चलिए फिलहाल मेरे यहाँ फ्रेंड्स क्या होता है कि मेरे यहाँ ना दिवाली को पहले शाम होने से पहले चौक पूरते हैं मेरे यहाँ पर हल्दी और आटे से, फिर अच्छे से फूल सजाते हैं, फिर चिराग रखते हैं और सबके घर में रख के आते हैं। तो गाँव में बहुत अच्छा लगता है सबके घर घर जाना। तो फिलहाल कोई नहीं, मैं अपना चौक वगैरह पूर के चली गई थी, और फिर देवी माँ के मंदिर में प्रसाद चढ़ा के और फिर घर में आके अपना पूजा पाठ जो है हस्बैंड ने की थी, सब ने हमने मिलके कर ली थी। तो सब में पहले मैं बना लूँगी यहाँ पर खाना। वैसे गाइस पूजा वाली जो है आपको क्लिप नहीं मिलेगी, सिर्फ इतनी ही क्लिप मिलेगी जो अभी चल रही है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी खाना मैं बना लेती हूँ। इधर मैंने आलू गोभी को बॉयल कर लिया था, तो ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, मतलब थोड़ा थोड़ा सा ही खाना बनाऊंगी। आप बोलोगे कि थोड़ा क्यों बोल रही है, क्योंकि रीज़न क्या है फ्रेंड्स, बच्चे आजकल ना खाना कम खा रहे हैं और तबीयत बहुत ख़राब चल रही है बच्चों की। तो प्लीज़ सभी अपने फ्रेंड्स अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, थोड़ा खाने पीने पर भी ध्यान दीजिएगा। तो बस यहाँ पर मैं उसको अच्छे से, और इधर मैं छोले बना रही हूँ मैंने गोभी में तड़का लगा के, और 10 मिनट तक छोड़े तो वो अच्छे से बन गई थी। तो बस इसके साथ मुझे भटूरे बनाने हैं, और रायता मैंने पहले से ही बना के रख दिया था। तो फ्रेंड्स अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को मेरे लाइक शेयर जरूर करके जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ज़रूर जाइएगा ताकि हर वीडियो आप सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा दिल से। चलिए इस वीडियो का एंड करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।